So, the question is we have to find the value of product of r is equal to 1 say nth cos of x upon 2 ki power r and after finding the value of this we have to prove that summation of r is equal to 1 say nth 1 upon 2 ki power r multiplied by tan of x upon 2 ki power r is equal to 1 upon 2 ki power n इन टू कॉट ऑफ एक्स बाई टू की पावर एन माइनस कॉट एक्स ठीक है ये हमें प्रूव करना है तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से पहले ट्राई कर सकते हैं उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ दिस सोचो प्रोडक्ट ऑफ दिस जो लिखा हुआ है उसको अगर खोल के लिखा जाए तो वो क्या लिखा होगा कॉस ऑफ एक्स अपॉइन्ट टू की पावर वन मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एक्स अपॉइंट टू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एक्स अपॉइंट टू का होल क्यूब डॉट 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 ऐसे ही मल्टीप्लाई करके कहाँ तक लिखा हुआ है कॉस ऑफ एक्स अपॉइंट टू की पावर एन इसका हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है ठीक है अभी बहुत लोगों को दिख रहा होगा ये कि कॉस के अंदर वाला जो एंगल है वो किस में लिखा हुआ है तो बोलेंगे जी में लिखा हुआ है ठीक है और कॉस के प्रोडक्ट का सम निकालना है जिसका एंगल जी में है तो कोई फार्मूला क्या हमें याद आ रहा है कौन से चैप्टर में है कौन से चैप्टर में है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में एक फार्मूला पढ़ाया गया था कॉस का मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉस वो फार्मूला क्या था मैं एक बार याद दिला देता हूँ वो फार्मूला था कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ टू थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ टू स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ टू क्यूब थीटा ऐसे करके कहाँ तक गए थे कॉस ऑफ टू की पावर एन माइनस वन थीटा ये टोटल कितने टर्म मल्टीप्लाइड है तो बोलेंगे एन टर्म्स मल्टीप्लाइड है क्यों क्योंकि जो सबसे पहला टर्म है उसमें टू की पावर कितना है जीरो तो हमने टू की पावर जीरो से कहाँ तक गए टू की पावर एन माइनस वन तक गए दिस मीन्स एन टर्म्स मल्टीप्लाइड है तो याद होगा हमें इसका जो वैल्यू था ट्रिग्नोमेट्री में वो कितना आता था तो बोलेंगे साइन ऑफ 2 की पावर एन थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर एन इंटू साइन थीटा आता था इसका वैल्यू कैसे आता था उसका भी प्रूफ था हम लोग क्या करते थे 2 इंटू साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड 2 इंटू साइन थीटा से डिवाइड कर दिया था हमने तो टू इंटू थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से फायदा क्या हुआ था हमारा

ठीक है ऊपर वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर करते हैं इसको हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है ऑफ ऑफ स्क्वायर क्यूब ये अब इसमें थीटा कौन है अगर हम लोग एक्स बाई टू को थीटा पकड़ते हैं तो अगला टर्म क्या आना चाहिए टू इंटू एक्स बाई टू एक्स उसका अगला टर्म आना चाहिए टू स्क्स बाई टू विच इज इक्वल टू टू एक्स लेकिन यहाँ क्या ऐसा दिख रहा है बोलेंगे नहीं यहां तो नीचे में टू का पावर बढ़ते जा रहा है इसका मतलब एक्स बाई टू को हम लोग थीटा एज्यूम नहीं कर सकते हैं ठीक है तो x by को थीटा एज्यूम नहीं करेंगे तो थीटा किसको मानेंगे तो फिर से देखिए रिवर्स प्रोसेस अगर हम लोग एक्स बाई टू की पावर एन को थीटा पकड़े तो टू इंटू थीटा कितना बनेगा वन अपॉइन टू की पावर एन माइनस वन उसमें फिर से टू मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा वन अपॉइन टू की पावर एन माइनस टू ऐसे करके डिक्रीज होते होते फाइनली कहाँ तक जाएगा यहाँ तक जाएगा देखो 2 की पावर n 1 x 2 की पावर n कितना बचेगा x 2 बचेगा इसका मतलब अगर इसको थीटा पकड़ा जाए तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पूरा का पूरा इससे मिलता जुलता है तो फाइनली हमने क्या बोला कि थीटा किसको पकड़ना है एग्जैक्टली x 2 की पावर n को तो x 2 की पावर n को अगर थीटा हमने अज्यूम किया तो हमारा आया x अपॉइट टू की पावर n को थीटा एज्यूम किया और इस चीज़ को एग्जैक्टली exactly इस फॉर्मूला से रखा तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए साइन ऑफ टू की पावर एन इंटू थीटा डिवाइडेड बाई टू की पावर एन इंटू साइन थीटा तो हम लोग बस थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे आएगा कितना साइन ऑफ टू की पावर एन इंटू थीटा हमने किसको एज्यूम किया है एक्स अपॉइंट टू की पावर एन को ये मल्टीप्लाई है डिवाइडेड बाई की पावर एन इन साइन थीटा थीटा आएगा एक्स एक्सॉइन टू की पावर एन इससे क्या होगा टू की पावर एन टू की पावर एन कट जाएगा हमारा जो फाइनल रिजल्ट आने वाला हैल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ एक्स बाई टू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ एक्स बाई टू क्यूब ऐसे डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ एक्स बाई टू की पावर एन इसका जो फाइनल रिजल्ट आया अपने पास वो आया साइन एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय टू की पावर एन इंटू साइन एक्स बाय टू की पावर एन ठीक है ये हमारा रिज़ल्ट आ गया जो कि सबसे पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट था तो पार्ट वन का रिजल्ट आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इसका वैल्यू कितना आया हमारा इतना आया ठीक है अब उसके बाद क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है वो देखते हैं क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पूछा गया है हमें इस फॉर्मूला के हेल्प से प्रूफ करना है ये ये वाला चीज हमें प्रूफ करके दिखाना है तो अब देखो यहाँ कॉस्ट का प्रोडक्ट है कॉस्ट का प्रोडक्ट दिख रहा है हमें और हमें उसको लाना है प्लस 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 समथिंग में एक और चीज दिख रहा होगा हमें अगर इसको ओपन करके देखेंगे तो देखते हैं क्या लिखा हुआ ये ठीक है इसको ओपन करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है उसको जब ओपन करेंगे तो आएगा वन अपॉइंट टू टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस वन अपॉइंट टू स्क्वा टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस वन अपॉइंट टू क्यूब टेन ऑफ एक्स बाई टू क्यूब प्लस डॉट 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 ऐसे करके कहाँ तक गया है वो वन अपॉइंट टू की पावर एन इंटू टेन ऑफ एक्स बाई टू की पावर एन सोचो इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है ठीक है इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है और हमारे पास गिवन क्या है यह चीज गिवन है अब ये जो गिवन है इससे हमें यहां तक तक पहुंचना है और दिख रहा है बार एक्स बाय टू स्क्वायर का डिफरेंसिएशन वन बाय टू स्क्वायर है एक्स बाय टू क्यूब का डिफरेंसिएशन वन बाई टू क्यूब है एंड एक्स बाई टू की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन वन बाई टू की पावर एन है ठीक है तो हमने क्या किया इसको डिफ्रेंसिएट करेंगे अगर तो शायद टेन जनरेट होगा कैसे अगर हमें समेसन में लाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन में दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा अगर ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हम लोग दोनों साइड लॉग ले लें तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा क्या बनेगा उसको देखते हैं हम वो बनेगा लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ एक्स बाई टू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एक्स बाय टू की पावर क्यूब डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एक्स बाय टू की पावर एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय टू की पावर एन इंटू साइन एक्स बाय टू की पावर एन ठीक है ये हमारा बनेगा तो लॉग एक्स वाई जेड लॉग के अंदर अगर प्रोडक्ट हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है समेसन में तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा ये बन जाएगा लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू क्यूब प्लस ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक जाएगा लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू की पावर एन इज इक्वल टू यहाँ लॉग ए बाई लॉग बी लिखा हुआ n into sin x by n. ठीक है अब हम लोग क्या करें दोनों साइड डिफ्रेंसियट करते हैं जब दोनों साइड डिफ्रेंसिएट करेंगे तो लॉग ऑफ कॉस एक्स बाई टू का डिफ्रेंसियन कितना आने वाला है लॉग ऑफ कॉस एक्स बाय टू का डिफ्रेंसियन कैसे करेंगे तो देखो लॉग ऑफ कॉस एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसको मैं दिखा रहा हूँ डी बाई डी एक्स इसका अगर कैलकुलेट करना है तो क्या होगा लॉग का डिफ्रेंसिएशन होगा चेन रूल लगेगा वन अपन कॉस एक्स बाय टू पहले आएगा मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स बाय टू का डिफ्रेंसिएशन होगा कॉस एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन कितना आने वाला है माइनस ऑफ साइन एक्स बाई टू उसके बाद एक्स बाई टू का भी डिफरेंसिएशन होगा जो कि आने वाला है वन बाई टू इसका मतलब लॉग कॉस एक्स बाय टू का डिफरेंसिएशन कितना आने वाला है साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू डेट इज इक्वल टू टेन एक्स बायू विथ साइन माइनस ऑफ सिमिलरली अगर हम लोग लॉग ऑफ कॉस एक्स बाई टू स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करें तो कितना आने वाला है तो बोलेंगे पहले आएगा नीचे कॉस ऑफ एक्स बाय टू स्क्वायर सिमिलरली माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स बाय टू स्क्वायर इन टू वन बाई टू स्क्वायर ठीक है जो कि आने वाला है माइनस ऑफ वन अपॉइंट टू स्क्वायर टेन ऑफ एक्स बाई टू स्क्वायर दिख रहा है तो अगर इस साइड को डिफ्रेंसिएट करने वाले हैं अगर हम लोग तो क्या जनरेट होने वाला है वो हमें पता चल गया जो चाहिए वही जनरेट होने वाला है सबसे पहला टर्म आएगा वन अपॉइंट टू टेन ऑफ एक्स बाय टू सब में माइनस साइन कॉमन आने वाला है इसलिए हमने माइनस को ही पूरा कॉमन निकाल लिया ठीक है प्लस वन बाई टू स्क्वायर टेन ऑफ एक्स बाई टू स्क्वास बाई टू क्यूब ऑफ क्यूब ऐसे ही करके कहा तक जाएगा 1 by 2 की पावर एन टेन ऑफ एक्स बाई टू की पावर एन ये हमने आर एच एल एच एस को डिफरेंसिएट किया तो हमारा ये जनरेट हुआ इज इक्वल टू डिफरेंसिएशन ऑफ आर एच एस और हमारा आर एच एस है कितना आर एच एस है हमारा RHS था हमारा लॉग साइन एक्स लॉग साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ ये वाला पूरा चीज सोचो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग साइन एक्स को तो लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना आने वाला है हमें किसको को करना है लॉग साइन एक्स को तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स कितना आएगा तो बोलेंगे वन अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉट एक्स सॉरी कॉस एक्स साइन एक्स का कॉस डिफरेंस इंटू इतना ही तो ये बेसिकलीट एक्स आने वाला है ठीक है लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंसिएट एक्स आने वाला है एक और टर्म है वहां पे डी बाई डीएक्स ऑफ टू की पावर लॉग ऑफ डी बाई डीएक्स ऑफ लॉग ऑफ टू की पावर एन इंटू साइन ऑफ एक्स अपॉन टू की पावर एन इसका डिफरेंशिएशन कितना आने वाला है तो बहुत ईजी है कैसे तो फिर से लॉक का पट्टी साइन ऑफ एक्स बाई टू की टू की पावर एन कॉन्स्टेंट है साइन ऑफ एक्सॉइन टू की पावर एन का आएगा कॉस ऑफ एक्स टू की पावर एन फिर से क्या होगा एक्स अपॉइट टू की पावर एन का भी होगा चेन रूल से जो कि आएगा वन टू की पावर एन तो क्या होने वाला है टू की पावर एन से टू की पावर एन कट जाएगा सो so फाइनली जो एक्सप्रेशन आने आने वाला ये आने वाला है है ये फाइनलीफ एक्स अपॉइन टू की पावर एन डिवाइडेड बाय ऑफ की पावर एन इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स अपॉइन टू की पावर एन डिवाइडेड बाय टू की पावर एन जो कि ये है ठीक है तो दोनों साइड डिफ्रेंसीट किया तो हमारा फाइनल जो एक्सप्रेशन बना वो ये बना माइनस ऑफ जो चाहिए था समय आर इज इक्वल टू वन से एन तक वन ओपॉइन टू की पावर आर मल्टीप्लाइड टेन ऑफ एक्स टू की पावर आर जो कि हमें बन चुका है इज इक्वल टू कॉट एक्स माइनस वन टू की पावर एन कॉट ऑफ एक्स अपॉइंट टू की पावर एन बना इसका मतलब हमें क्या चाहिए था ये चाहिए था तो ये फाइनली कितना आ गया समय आर इज इक्वल टू वन से एन तक वन ओपॉइन टू की पावर एन टेन ऑफ एक्स अपन टू की पावर आर इसका वैल्यू कितना आ गया माइनस साइन को इधर लेके चले जाएंगे तो ये आ जाएगा वन अपन टू की पावर एन कॉट ऑफ एक्स अपन टू की पावर एन माइनस कॉट एक्स फाइनली यही हमें प्रूफ करना था और हमारा प्रूफ हो गया रिजल्ट ठीक है तो so, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये हमने क्या किया मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं हमने सबसे पहले क्या किया कॉस का जो प्रोडक्ट वाला फार्मूला था लॉग कॉस का जो प्रोडक्ट वाला फॉम फार्मूला था ट्रिग्नोमेट्री में हमने वो लगाया उससे इसका वैल्यू पता चला उसके बाद हमने दोनों साइड लॉग ले लिया लॉग लेके जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग लेके जो डिफ्रेंशिएट किया तो हमें एल में वही चीज़ आ गया जो चाहिए था और आर को हमने कैसे डिफ्रेंशिएट किया तो लॉग ए बाई लॉग बी दिखा उसको हमने लिखा लॉग ए माइनस लॉग बी अब इसका अलग से डिफ्रेंशिएसन किया इसका अलग से किया जब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो भी आया हमने देख लिया कॉटेक्स आया सिमिलरली लॉग ऑफ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल लगेगा चेन रूल लग के हमारे पास फाइनल जो रिज़ल्ट आया ये आया उसको हमने पुट कर दिया तो हमें जो चाहिए था जो प्रूफ करना था वही प्रूफ हो गया सो दिस वॉज़ आवर फाइनल रिजल्ट